अल्मोड़ा के रानी खेत में उस वक्त तफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की बस में अचानक से आग लग गई। इस दौरान जब तक कुछ कर पाते तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस पार्किंग में ही खड़ी थी कि तभी अचानक से बस में आग की लपटें नजर आने लगी। जानकारी के मुताबिक रानीखेत में काफी लंबे समय से एक केमो की बस स्टेशन की पार्किंग में खड़ी थी और बस काफी पुरानी हो चुकी थी। उसकी हालत काफी खराब थी। वहाँ अक्सर बस के आसपास कई लोग अपनी गाड़ियों को भी खड़ा करते थे, लेकिन गनीमत रही कि आग ने किसी और गाड़ी को अपनी चपेट में नहीं लिया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अग्निशमन को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन विभाग के लोग काफी देर बाद पहुंचे। वहीं आग किन परिस्थितियों में लगी है इस बात का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खराब हो चुकी बस असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ था और उसमें असामाजिक तत्व बैठकर नशा और जुआ खेला करते थे और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि किसी असामाजिक तत्व ने ही इसमें आग लगाई हो। वहीं पुलिस का कहना है कि आग की घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही वाहन स्वामी की तरफ से किसी भी तरह की कोई तहरीर अभी तक नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।